राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से सब खुश हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ है, इसका किसी को श्रेय नहीं लेना चाहिए। भगवान राम किसी एक दल, एक समुदाय, एक सरकार, एक पार्टी, एक नेता के नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के हैं। उनको सीमित कर देना और उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना, उसको मैं गलत मानता हूँ। इसलिए पब्लिक के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि पायलट बीती रात बूंदी से जयपुर जाते समय निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टोंक में रुके थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने केंद्र और राजस्थान सरकार पर निशाना भी साधा। पायलट ने ERCP को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि प्रदेश का हित सर्वोपरि है, इसमें कोई दल, किसी की दोस्ती, दुश्मनी, सरकार, नेता आड़े नहीं आने चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम ने चुनाव की बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार राजस्थान में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। पायलट ने गठबंधन इंडिया से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के NDA में चले जाने पर कहा कि नीतीश जी ने एक बार फिर पलटी मारी है, लेकिन इससे इंडिया पर फर्क नहीं पड़ेगा, हम मजबूत हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने BJP पर लोकतंत्र को खत्म करने और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। केंद्र में BJP लगातार 10 साल से सत्ता में है, दोनों बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। इन 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।